हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आइए थोड़ी बातें करते हैं। जिज्ञासा तेज बुद्धि का एक स्थायी और निश्चित गुण है। सैमुअल जॉनसन। शिशु का भाग्य सदैव उसकी जननी द्वारा निर्मित होता है, ये कथन है नेपोलियन का। जीवन और कुछ नहीं है, केवल मृत्यु को अल्प समय के लिए टालना है, शोपेनहावर। चिंता ने कभी आज तक किसी की कमी को पूरा नहीं किया, स्वेटमार्डन। स्पष्टवादी छली नहीं होता, चाणक्य। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन के समान कोई भी दूसरा धर्म नहीं होता, वाल्मीकि रामायण। काम हो रहा है सुबह के, उठे हैं फटाफट फटाफट, तो जुटे पड़े हैं कि बस हो जाए फिर बैठूं। बैठूं क्या, चलता रहता है, लेकिन ये होता है समय से काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हर काम समय पे होता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यशपूर्ण जीवन का एक व्यस्त घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं अधिक है, वाल्टर स्कॉट। मनुष्य का जीवन का यदि कोई दर्शन ना हो, उसके साथ आस्थाएं, मान्यताएं और किन्हीं सिद्धांतों का समावेश ना हो, तो वो एक जानवर मात्र रह जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संसार में सबसे दयनीय कौन है? वह जो धनी होकर भी कंजूस है, विद्यापति। और पक्की टिकाऊ एकता वहीं पैदा हो सकती है जहां मन एक होते हैं, स्वामी रामतीर्थ। स्त्री हृदय में करुणा अमृत बनकर रहा करती है, अज्ञात। संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो एकदम अकेला खड़ा होता है, इप्सन। गम राह नहीं कि साथ दीजे, दुख बोझ नहीं कि बांट लीजे, नसीम। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र है, महात्मा गांधी। दुख के सम्मुख मुस्कुराने से दुख भी सुख लगने लगता है, गोपाल दास नीरज। कारगिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए बताइए बताइए, कारगिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं बताती हूँ, कारगिल का शाब्दिक अर्थ है कहीं भी जाओ यहाँ जरूर रुको।
आजा। प्रार्थना विश्वास की प्रतिध्वनि है। रथ के पहियों में जितना अधिक भार होता है उतना ही गहरा निशान वे धरती पर बना देती हैं। प्रार्थना की रेखाएं लक्ष्य तक दौड़ी जाती हैं और मनोवांछित सफलता खींच लाती हैं। विश्वास जितना उत्कृष्ट होगा परिणाम भी उतने ही सत्वर और प्रभावशाली होंगे। प्रार्थना आत्मा की आध्यात्मिक भूख है। शरीर की भूख अन्न से मिटती है, इससे शरीर को शक्ति मिलती है। उसी तरह आत्मा की आकुलता को मिटाने और उसमें बल भरने की सत्साधना परमात्मा की ध्यान आराधना ही है। भूख लगी थी, चाय पीने का मन नहीं था, भूख लगी थी तो हमने कहा पहले ये खाएं, फिर आधा एक घंटे बाद नहा धो के चाय पियेंगे। ये पेट में पड़ गया, मेहनत करो। तो मैं खाती पीती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, अपना ख्याल अच्छे से रखती हूँ। कौन मुझे पूछने आएगा, खा लो, भूखी होगी खा लो, हैं पी लो, थक गई होगी, मैं सब अपना कर लेती हूँ, सर जुट के काम करती हूँ। जब गया चाय पीने नहीं मन था, भूख लगी थी, तो चाय पी लो। चाय भूख मारती है, कितनी भी भयंकर भूख लगी हो आप चाय पी लीजिए, बस भूख चली जाएगी आप। तो मैंने एप्पल खा लिया, बिस्किट पानी ले लिया, अब एक घंटा फुर्सत है, बाकी के काम होंगे, नहा धो के चाय पीऊँगी। लो मैं आ गई, ऊपर से नीचे तक दोनों साफ वाफ करके नहा धो के बाल बाल नाश्ता सबको दे दिया। दे के गए थे नाश्ता, तब जुटे थे, टाइम लगेगा, मैं करने जा रही हूँ, मैं कर लूँ फिर चलूँ खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।